नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे आज की महत्वपूर्ण और ताजा खबरों के बारे में। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वहीं पर दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक जनरल नॉलेज के संबंध में प्रश्न पूछना चाहते हैं। आज आपको कमेंट करके बताना है कि देश के अंदर पहली बार इमरजेंसी यानी कि आपातकाल किसने लगवाया था। जी हां, उस महिला प्रधानमंत्री का नाम आप कमेंट करके जरूर बताएगा। तो चलिए दोस्तों एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से जानते हैं। पहली खबर, क्वाड देशों का पहला सम्मेलन 12 मार्च को चीन और कोरोना पर तीन अन्य देशों से बातचीत करेगा भारत। जी हाँ दोस्तों, भारत अमेरिका जापान और ऑस्ट्रेलिया के नेताओं के चतुष्कोणीय गठबंधन या क्वाड ढांचे के तहत पहला शिखर सम्मेलन ऑनलाइन प्रारूप में 12 मार्च को आयोजित होगा। ये सम्मेलन हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच सहयोग बढ़ाने के प्रयास के तहत होगा। विदेश मंत्रालय ने कहा कि नेता साझा हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे और एक मुफ्त, खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने की दिशा में सहयोग के व्यावहारिक क्षेत्रों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर, हवाई यात्री हो जाए सतर्क, अगर फ्लाइट में नहीं लगाया ठीक से मास्क तो होगी कार्रवाई। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हवाई यात्रा करते हैं तो ये खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। हवाई यात्रा के दौरान अगर आपने ठीक से मास्क नहीं पहना तो आपके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने ये फरमान सुनाया है। हाई कोर्ट ने हवाई यात्रियों द्वारा मास्क ठीक से न पहनने को लेकर स्वतः संज्ञान किया। हाईकोर्ट ने नियमों के सख्त अनुपालन के लिए घरेलू एयरलाइंस और DCGA को दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसमें उल्लंघन करने वालों के लिए दंडात्मक कार्रवाई और विमान की समय समय पर जांच शामिल है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर, 2021 के अंदर ऐसे घटेंगे पेट्रोल और डीजल के दाम, मोदी सरकार बना रही है ये रणनीति। जी हाँ दोस्तों, पेट्रोल डीजल के दाम में हालिया बढ़ोतरी से पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। देश के कई शहरों में पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है, वहीं पर कई शहरों में डीजल करीब 90 रुपए प्रति लीटर खरीदने को मजबूर है। पेट्रोल डीजल के दाम तीन कारणों से बढ़े हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में लगातार बढ़ोतरी, दूसरा केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा भारी भरकम टैक्स वसूला जाना और तीसरा पूरी दुनिया में आर्थिक गतिविधियां धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगी है। क्रूड ऑयल की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ये करीब $70 प्रति बैरल पहुंच गया है। उत्पादक देशों की ओर से क्रूड ऑयल के उत्पादन में कटौती और कीमत में कृत्रिम उछाल की स्थिति पैदा किए जाने से भारत जैसे उपभोक्ता देशों के आर्थिक स्वास्थ्य पर सीधा असर पड़ता है। ऐसे में अब भारत सरकार इसमें वेट घटाने की रणनीति पर काम कर रही है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर, सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने की महत्वपूर्ण घोषणा, अब मिलेगा ये फायदा। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार ने कोरोना संकट के दौरान सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की रोकी गई महंगाई भत्ते व महंगाई राहत की तीनों किस्तों का जल्द भुगतान करने का फैसला लिया है। वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को भरोसा दिलाया कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की रोकी गई तीनों किस्तों को जल्द से जल्द फैसला लेकर बहाल किया जाएगा। साथ ही बताया है कि उन्हें 1 जुलाई 2021 से लागू होने वाली दरों पर किस्तों का भुगतान किया जाएगा। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर, बड़ी खबर, पाकिस्तान को दी जाएगी भारत में बनी कोरोना की वैक्सीन, जानिए क्यों। जी हाँ दोस्तों, भारत में बनी कोरोना की 45 मिलियन डोज यानी कि 4.5 करोड़ वैक्सीन पाकिस्तान को दी जाएगी। पाकिस्तान को ये वैक्सीन गावी वैक्सीन समझौते के तहत मुहैया कराई जाएगी, जो कि पाकिस्तान के साथ सितंबर 2020 में साइन किया गया था। इसके तहत दुनिया के तमाम देशों को वैक्सीन दी जा रही है। इसी महीने करीब 16 मिलियन कोविड वैक्सीन पाकिस्तान तक पहुंच जाएगी और जून तक 45 मिलियन डोज पाकिस्तान को मिल जाएंगी। पड़ोसी देश पाकिस्तान को सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन कोविशील्ड भी दी जाएगी। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर, ऐतिहासिक मोड़ पर UGC नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से आएगा बड़ा बदलाव। जी हाँ दोस्तों, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन से वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में ढांचागत व गुणात्मक दोनों ही प्रकार का रूपांतरकारी परिवर्तन होगा। इसमें कई संस्थाएं शामिल होगी, इनका मूल रूप बदलेगा, फिर इस सम्मेलन से कुछ नया बनेगा। इस प्रक्रिया में एक अहम परिवर्तन ये होने जा रहा है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का वर्तमान स्वरूप बदल जाएगा, ये उच्च शिक्षा आयोग में शामिल हो जाएंगे। ऐसे में यह जरूरी है कि उच्च शिक्षा में UGC की ऐतिहासिक भूमिका के साथ उच्च शिक्षा व्यवस्था का जो नया ढांचा खड़ा होने जा रहा है उसकी संभावनाओं एवं चुनौतियों पर भी विचार किया जाए। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर, इलाहाबाद बैंक के खाताधारकों के लिए बड़ी खबर, इंडियन बैंक में विलय के बाद आज से नए नियम लागू।
जी हाँ दोस्तों, बैंक मर्जर के बाद अब देश में चुनिंदा चार ही बैंक बचे हैं। ऐसे में उन बैंकों के ग्राहकों के लिए बदलाव का दौर शुरू हो गया है, जिनके बैंक का दूसरी बैंक में विलय हो गया था। इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में विलय हुआ था, जिसके बाद आज से नए नियम लागू हो गए हैं। अब ग्राहकों को मनी ट्रांसफर के लिए IFSC कोड का इस्तेमाल करना होगा। ऑनलाइन बैंकिंग के लिए इलाहाबाद बैंक के खाताधारकों को अब इंडोएसिस ऐप डाउनलोड करना होगा। आज सुबह 9 बजे से इसका इस्तेमाल शुरू कर दिया जाएगा। इसके अलावा इलाहाबाद बैंक के खाताधारकों के मोबाइल बैंकिंग ऐप, चेकबुक और पासबुक में किया गया बदलाव आज से लागू हो गया है। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। सोने की तस्करी को आतंकी गतिविधि कहा जाए या नहीं, सुप्रीम कोर्ट करेगा आज फैसला। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का परीक्षण करने का फैसला किया है कि क्या सोने की तस्करी गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम UAPA के तहत आतंकी गतिविधि के दायरे में आती है। जस्टिस RF नरीमन और जस्टिस BR गवई की पीठ ने इस बारे में केंद्र सरकार और राष्ट्रीय जांच एजेंसी को नोटिस भी जारी किया है। पीठ ने यह आदेश एक याचिका पर दिया है, जिसमें राजस्थान हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें FIR को रद्द करने की मांग की गई थी। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। 103 साल की दादी को लगा कोरोना का टीका, बनी वैक्सीन लगवाने वाली देश की सबसे बुजुर्ग महिला। जी हाँ दोस्तों, भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चालू है, जिसे अब आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। मंगलवार को बेंगलुरु में 103 साल की महिला ने कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक ली। इसी के साथ ही जे कमेश्वरी वैक्सीन लेने वाली भारत की सबसे बुजुर्ग महिला बन गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के दिए आंकड़ों के अनुसार राष्ट्रव्यापी COVID-19 टीकाकरण में अब तक 2.40 करोड़ लोगों को टीका लगाया जा चुका है। मंगलवार को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने भी ये आंकड़े साझा किए। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। शिवराज सिंह ने राहुल गांधी पर कसा तंज, बोले देर से जलती है उनकी ट्यूबलाइट। जी हाँ दोस्तों, राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने साल भर पहले कांग्रेस छोड़कर BJP में शामिल होने की पृष्ठभूमि में वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हाल ही में उन पर टिप्पणी की थी, जिस पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार रात तंज कसा और कहा राहुल की ट्यूबलाइट देर से जलती है। राहुल गांधी ने भारतीय युवा कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में सोमवार को कहा था कि सिंधिया BJP में रहकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कभी नहीं बन और उन्हें लौटकर कांग्रेस में ही आना होगा। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। SBI समेत इन बैंकों में 4 दिन की छुट्टी, जानिए पूरी डिटेल्स। जी हाँ दोस्तों, नरेंद्र मोदी सरकार ने आम बजट में 3 सरकारी बैंकों के निजीकरण का ऐलान किया है। सरकार के इसके ऐलान के बाद बैंक कर्मचारी यूनियन हड़ताल करने वाली है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण के समय इस बात की घोषणा की थी कि IDBI सहित 2 और सरकारी बैंकों का निजीकरण किया जाएगा। अब जब बैंक कर्मचारी यूनियन ने 2 दिन की हड़ताल की घोषणा की है, तब आपके लिए ये खबर जरूरी हो जाती है। बैंकों के निजीकरण के विरोध में कर्मचारी यूनियन ने 15 और 16 मार्च को बैंक हड़ताल में घोषणा की है, जबकि 13 मार्च को सेकेंड सैटरडे और 14 मार्च को बैंकों में रविवार की छुट्टी है। ऐसे में बैंक लगातार 4 दिन तक बंद रहेंगे। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। PM लोकप्रिय नहीं होते तो लोग उनकी बातों पर शर्म करते, रवीश कुमार ने नरेंद्र मोदी पर साधा निशाना। जी हाँ दोस्तों, रवीश कुमार ने नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा जो वायरल हो रहा है। उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री की भाषा का जब कभी अध्ययन होगा, तब लोग ये देख पाएंगे कि उन्होंने जिस भाषा और भाषण से जिस पद को पाया, उस पद की गरिमा अपने भाषण और उसकी भाषा में कितनी गिराई है। कभी तेल के दाम कम होने पर खुद को नसीब वाला कहने वाले प्रधानमंत्री के भाषण का यह हिस्सा अजीब है। स्कूटी गिर जाने का रूपक चुनते हैं, किसी दिन यह भी कह देंगे कि आपकी कार पलट जाएगी, जहाज गिर जाएगा। बिहार में एक वक्त DNA का भी मसला ले आए थे। प्रधानमंत्री कितने सतही तरीके से बातों को रखते हैं। अगर अन्य कारणों से उनकी लोकप्रियता नहीं होती तो लोग उनके कई भाषणों और कई भाषाओं के हिस्से पर शर्म करते। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।